हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देवभूमि स्किल इंडिया सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज है हमारे पास FR 900, जो सबसे ज्यादा बैंड सीलिंग मशीन, जो मशीन सेल होती है, इंपोर्ट होकर आती है, वो यही आती है FR 900। ठीक है, तो इसका देखिए बॉक्स कितना बड़ा है और मशीन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके की पूरी मशीन आती है। ठीक है, ये मशीन आज ही हमारे पास आई है और हम आपको इसका डेमो और वीडियो दिखा रहे हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो डिस्प्ले में नंबर चल रहा है, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें अभी एक दो दिन से इसको यूज़ भी कर रहे हैं, तो मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं डायरेक्ट वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मेरे को भी पहले मशीन को समझना था कैसे चलती है। अब मैं आप लोगों को समझा दूंगा ये मशीन कैसे चलती है, कैसे काम करती है। तो आपको बॉक्स दिखा देता हूं, अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, नंबर सीरियल नंबर याद रखिएगा हमेशा। आप मेरे से लो या ना लो, आप हमेशा यही वाली मशीन लीजिएगा FR 900, और यही वाली ही मार्केट में चलती है। तो गाइस, ये इस टाइप का कुछ बॉक्स है, पूरे प्रॉपर पैकिंग से आती है। ठीक है, और इसके साथ एक पैकेट मिलता है जिसमें इसकी जो बेल्टें होती हैं वो सब रहती हैं। यहाँ पे बेल्ट लगती है और अंदर की भी बेल्ट हैं। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा मशीन को कि किस तरीके से होती हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहेगा आपका, इस तरीके से मशीन है और यह इस तरीके से थर्माकोल में मिक्स होकर आती है। ठीक है, अब हम हटा देते हैं बॉक्स को और मैं आपको पूरा मशीन का एक लुक और दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके की मशीन है। ठीक है, और इसमें जो फंक्शन है बहुत आसान है, हर कोई बच्चा भी इसको चला लेगा। ये इमरजेंसी वाला बटन है, अगर जैसे कुछ काम करते हुए अगर आपके पाउच बंद हो रहे हैं या पाउच खराब हो रहे हैं तो आप इमरजेंसी बटन दबा के पूरी मशीन को स्टॉप कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा बटन है, ये है पावर का बटन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, हमने अभी प्लग इसका इन कर दिया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका चला के दिखाता हूँ। ये हमारा पावर से मशीन को ऑन करेंगे और इसकी साउंड देखिएगा, और ये हमारा जो है, हमारा बेल्ट जो है चालू हो चुका है। ठीक है, बेल्ट के लिए हम लोग आपको स्पीड दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं स्पीड करूँगा तो देखिएगा कितना तेज चालू हो चुका है। अभी मैं आपको पैकिंग करके भी दिखाने वाला हूँ प्रॉपर, ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और ये दूसरा बटन जो है, ये जैसे पहले हम इसको चलाएंगे तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, फिर दूसरा बटन जो है वो हीटर का है, मतलब ये जो बेल्ट, इसमें जो अभी बेल्ट है वो हीट करती है, तो उसका है। तीसरा बटन है फैन का। ठीक है, फैन भी हमें चलाएंगे तो आपको मैं अभी दिखा दूंगा किस तरीके से इसको चलाएंगे। और चौथा जो है, ये हमारा कवर लगा के हम लोग इसका टेम्परेचर सेट करते हैं इससे। तो क्या ये देखिएगा, टेम्परेचर मैं इसका सेट करूंगा, वो पन्नी की जो क्वालिटी होती है उस पर सेट किया जाता है। ठीक है, मोस्टली जो होता है वो 150 के आसपास किया जाता है। अगर आपकी मोटी पन्नी है तो आप 180 तक जा सकते हैं। ठीक है, 180 मान लीजिए यहाँ तक जाएगा, 200 तो ये है, तो यहाँ पे 180 पे जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं टेम्परेचर। तो गाइस, अभी जो है हमने मशीन जो है वो चालू कर ली है। ठीक है, अब ये देखेंगे बेल्ट चल रही है एकदम प्रॉपर तरीके से, और मशीन को अभी हम कर देंगे हीट पे। और हम जो पैकिंग करने वाले हैं, हम जो है कलर पैक करेंगे, ये हमारा एसिड ब्लू कलर है। ठीक है, पन्नी जो है हमारी नॉर्मल माइक्रोन में जो होती है वही पन्नी हम यूज करेंगे। तो ये देखिए, पन्नी जो है हम लोग नॉर्मल जो माइक्रोन चलता है वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरी जो पन्नी है ये मार्केट से लेके आए हैं अभी। तो ये जैसे आटा, दाल, चावल, आप कुछ भी पैक करना चाहो, इसमें कुछ भी पैक कर सकते हो। इस पन्नी का मतलब ये होता है कुछ भी आप पैक कर सकते हो। ठीक है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, इस मशीन को लेने के बाद आप बहुत सारे बिजनेस जो है चालू कर सकते हो, बहुत सारे बिजनेस। मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, ये मशीन आपके बहुत काम आने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपके एक ही काम आएगी। ठीक है, कार केयर में ये है, पाउच पैकिंग जो होते हैं उसमें काम आएगी मशीन। तो अभी मैं आपको इसको डेमो करके दिखाता हूँ, आप देखिए। अभी जो है, सबसे पहले मैं इसका हीटर जो है वो चालू कर दूंगा। ठीक है, और हीटर चालू करने के बाद मैं इसका जो टेम्परेचर है 120 पे सेट करूंगा। तो आप ये देख लीजिए, 100 के बाद मैंने 10 और 20 पे सेट कर दिया इसको। ठीक है, और हीटर हमारा चालू है। फैन अभी चालू नहीं करूंगा, फैन मैं अभी थोड़ी देर बाद चालू करूंगा। ठीक है, पहले ये देखिए, अभी ऑन पे है, जब ये टेम्परेचर सेट हो जाएगा तो ये आ जाएगा रेड वाले ऑप्शन पे। ठीक है, देखिएगा रेड वाले में ये आने वाला है अभी थोड़ी देर में, और ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से एक मिनट के अंदर अंदर इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। इसके अंदर हीटर लगे हुए हैं, बाकी मैं आपको इसका फंक्शन और समझा देता हूँ। तो ये देखिएगा गाइज, अंदर जो है रोलर चल रहे हैं और ये बेल्ट जो है यहाँ से होते हुए जाती है, बिल्कुल दो बेल्टें हैं ये। ठीक है, इन बेल्टों से फिर ऊपर को होते हुए आती है ये, कुछ इस तरीके से ये मशीन काम करती है। और बाकी आप YouTube में देख लीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, और ये जो है, ये थर्माकोल, जब बॉक्स खोला, थर्माकोल चिपका भी हमने छुटाया नहीं है, इसको छुटाएंगे तो ये छूट जाएगा ऐसे करके। देखिए, इसमें रेड वाला ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अब हम इसका हीटर भी ऑन कर देंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, हीटर ऑन हो चुका है, यहाँ से हवा आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ताकि जो है एलिमेंट जो है गर्म होके फूके ना। अभी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, तो गाइस अभी जो है,
ये देखिएगा मैं इसको पैक करूंगा, ये हमने 1 किलो लिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें 1 से 5 किलो तक, आप 3 किलो तक मेरे हिसाब से इसमें पैक कर सकते हो सामान। तो ये देखिएगा 1 किलो हमने लिया हुआ है, अभी मैं इसको ऐसे करूंगा, ठीक है, और इसको ये देखिएगा इसमें ऐसे इसको सेट कर दूंगा, और ये देखिएगा ये पैकिंग होना हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक। तो ये देखिएगा किस तरीके से पैक हो रहा है, और ये देखिए ऐसे करके ये पैक हो चुका है। तो गाइस ये देखिएगा हमारा जो है एसिड ब्लू कलर जो है पैक हो चुका है, ये देखिए यहाँ से बैंडिंग हुई थी इसकी, देख लें आप, इसको आप आराम से पैक कर सकते हैं। ये देखिएगा इसकी जो पैकिंग हुई है किस तरीके से पैक हुआ है, ये आप देखिए इसको, ठीक है, ये अच्छे से हमारा जो पैकिंग होता है वही होता है। अभी जो है मैंने पैक किया था, ये देखिए ये हो गया। आप इसमें पानी भी पैक करना चाहो तो पानी भी पैक कर सकते हो। तो हमारा ये पैकेट है एकदम तरीके से जो है पैक हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको एक कलर और है, ये जो हमारा पिंक कलर मार्केट में जाता है, मैं कलर वाली पन्नी यूज़ कर रहा हूँ, चाहूँ तो ट्रांसपेरेंट वाली पन्नी भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये वाली कलर वाली दिखा देता हूँ, ये थोड़ी मोटी पन्नी है यार, तो आपको इसका भी टेम्परेचर दिखा देता हूँ सेट करके, ठीक है। ये देखिएगा, अब देखिए इसको भी हम इसमें लगाएंगे, ठीक है, ये देखिएगा हम इस पर लगाएंगे और ये ऑटोमेटिकली जा रहा है, ठीक। और ये देखिएगा, तो ये देखिएगा ये भी अच्छे से पैक हो चुकी है, ठीक है, और हम इसको डायरेक्ट उल्टा करके आपको दिखा देते हैं। तो भाई ये देखिएगा ये भी पैक हो चुका है हमारा, पिंक कलर भी हमारा देखिए पैक हो चुका है अच्छे से एकदम, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। हम कहीं से भी इसको कहीं से भी कुछ कर लें, ये हमारे पाउच पैकिंग तैयार हो गई है। तो भाई ये देखिएगा हमारा पाउच जो है ये भी तैयार हो चुका है, इसमें भी हमारा 1 किलो पिंक कलर तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप स्टिकर लगा के अपना कोई भी सामान को बेच सकते हो। तो भाई आपका जब सारा काम निपट जाए तो आपको इसको बंद कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अगर आपका सारा काम निपट जाए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हीटर बंद करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें हीटर बंद करना है और अपना टेम्परेचर डाउन कर देना है बिल्कुल। उसके बाद जो हीट ये फैन है, फैन आपका चलते रहेगा, ध्यान रखिएगा फैन चलेगा, क्योंकि 5 मिनट आप चला दीजिएगा ताकि जो इसके एलिमेंट हैं वो ठंडे हो जाएं, फिर आप इसको क्या करेंगे यहाँ से बंद कर देंगे, फिर आपकी मशीन जो है पूरी बंद हो जाएगी। आपको डायरेक्ट क्या है, आपको फैन एक साथ बंद नहीं करना है, करना चाहो कर लो, लेकिन आपको लंबे टाइम तक एलिमेंट चलाना है तो प्रोसीजर यही है, पहले आप हीटर बंद करोगे, उसके बाद कुछ देर तक फैन चलता रहेगा ताकि एलिमेंट जो है आपका ठंडा हो जाए, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो था, और जो है पैकिंग का मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई दिया है, कुछ इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की जो है पैकिंग हो चुकी है, ठीक है। और ये वाला तो मैंने आपको बताया था, ये आपका वो है स्पीडो है, ठीक है, ये बेल्ट चल रही है इसकी, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको, ये उसके लिए है।